मुझे लगता है इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे दोनों की, और यहाँ फिर मटकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेल फीमेल देखे, मेल ने नेस्टिंग बनाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर ही बना रहा है, हालांकि मैंने उसका छत खोल भी दिया ऊपर से जो बॉक्स का है। चलें जी, ये देखें सारी सफाई मैंने कर ली है, और मैं इस तरह साफ़ करता हूँ इस ब्रश के साथ जितने भी वाटर पॉट्स हैं, ताकि वो क्लीन हो जाएं, इसके जो बैक्टीरिया कॉर्नर्स में होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैंने शेयर करनी है। एक तो हमने क्या किया कि कॉलोनी से मैंने कुछ वाइट जो है ना फीमेल्स और 3-4 मेल मैंने पकड़ के लैदा कर दिए हैं, वो मैंने कर दिए हैं इस साइड पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो ठीक है। इसके अंदर हमने 5 फीमेल हैं अभी और 4 मेल हैं, तो इंशाल्लाह एक दो मेल और ब्लैक चिक का मैं भी छोड़ना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वाइट ही हो हमारे पास, ताकि जो प्रोडक्शन है वो हमारी कह लें कि स्नो वाइट और पेंगुइन्स आ सके, क्योंकि इसमें कुछ जो वाइट हैं वो उनकी माँ पेंगुइन थी तो उसके स्प्लिट हैं, और कुछ जो हैं वो कह लें कि नॉर्मल थे उनके इनके वालदैन। तो चलें, ये किया एक छोटा सा था मेरे पास केज, तो मैंने उधर इनको छोड़ा, तो देखते हैं अब ये क्या करते हैं और हमें किस तरह की प्रोडक्शन मिलती है, तो इंशाल्लाह इनको हम लोग अंदर करेंगे। तो एक ये मेरे पास और लाइट बैग का था छोटा, मिक्स है वाइट का, इसका वालदैन थे तो ये भी आगे वाइट ही प्रोड्यूस करेगा, तो ऑलरेडी इसने पेयरिंग बना ली हुई है, और इंशाल्लाह ये अच्छी हमें ब्रीड देंगे। स्नो वाइट्स के लिए मैंने अलहदा किया इनको, क्योंकि अमूमन जो ज़्यादातर स्नो वाइट निकलती है वो आपका मेल होना चाहिए, जिसके चीक्स हैं ये इस तरह का, ये जो मेल बैठा है ना हमारा, आपको लाइट की तरफ से पता थोड़ा सा ये ऊपर गया, ये वाला जो मेल है, ये वाला आप मेल देखें ना, इसके गाल देखें आपने, जो चीक्स हैं वो काफ़ी क्रीमी टाइप है, ये वाला जो मेल है ठीक है, ये वाला मेल आप देखते हैं ठीक है, इसके क्रीमी टाइप है चीक्स, तो ये वाला और वाइट फीमेल का जब पेयर बनता है ना, तो उसमें चांसेस बन जाते हैं 40-50% के आपको स्नो वाइट बच्चे मिलेंगे। तो इसलिए एक मकसद ये भी था लगाने का कि यार कुछ स्नो वाइट्स भी आएँ। तो सेकेंडली उस दिन हमने देखा था कि इसने एक एग ले किया हुआ था फीमेल ने, तो मेल भी काफ़ी अग्रेसिव है, अंदर ही रहते हैं, फीमेल भी है, मैं हम लोग चेयर लाते हैं और इसका देखते हैं कि इसने कितने एग्स ले किए हुए हैं। एक मिनट मैं चेयर ले आऊं, ये हमारी चेयर है, ठीक है देखते हैं। ओ माशाल्लाह अभी तक एक ही एग है इसका, देखें आगे जाके और देती है कि नहीं। बहरहाल ये तो इसको कर देते हैं बंद। उसके अलावा ये वाला जो पेड़ है इसने भी हल्की फुल्की नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है, ये वाला पेड़ ऐसे ही अभी, और भी हमने एक और चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो हमारा है पेयर, थ्री बी का है, मेल फीमेल, मेल 2B है, फीमेल 3B है, अभी तक इधर नहीं है। ये हमारी एक बंगलाइज थी, ये भी काफ़ी अंदर रहती हैं, वाइट मेल है और दूसरी फीमेल है, जो मिक्स है फॉन और नॉर्मल में, तो पेयर बना हुआ है, देखें इनके एग्स आए हैं कि नहीं,
इन्होंने बड़ी कंजस्टेड सी की हुई है। अगर तो से नजर आ जाता और फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। और ये वाला जिसको हमने टोकरी दी थी नेस्टिंग बना ली हुई है, पहले 3 अंडे थे लेकिन अब कुछ भी नहीं है। चलें जी, इसके बाद आ जाती है हमारी इजाबेल ऑरेंज। ये वाले माशाल्लाह हमने इनको दे दी थी मटकी, तो देखते हैं। माशाल्लाह 4 एग्स ले किए हुए इसे, तो ये वाले हैं जिन्होंने जनाब 4 एग्स ले कर लिए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी चल रहा है वही सीन। इनको वेट करेंगे, जून का महीना निकालेंगे हम जून के बाद। तो आज मेरा मूड है क्योंकि थोड़ा सा ये इनको एक्टिव करने के लिए, गर्मी को बचाने के लिए आज थोड़ा सा ग्लूकोज भी देंगे। वो ग्लूकोज मैं ले आया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यह है जी ग्लूकोज डी, आप इसको देखें तो ये हमारा ग्लूकोज डी है। एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमारा ग्लूकोज डी, ठीक है। इसमें ग्लूकोज भी है, कैल्शियम भी है और विटामिन भी है। तो ये तीनों चीज़, विटामिन डी है, ये तीनों चारों चीज़ें हैं जो बहुत बर्ड्स के लिए गर्मी में होती हैं अच्छी। और ये कह लें कि 1 लीटर के अंदर आपने 1.5 लीटर कर लें, 2 लीटर कर लें, उसके अंदर जो है ना 1 चम्मच आपने भर के डाल देना और फिर वो बर्ड्स को देना है। सुबह दें शाम को निकाल दें, तो ये वाला सीन है इसके अंदर। ये हमने रखा हुआ है, आज देंगे इनको ताकि थोड़े से एक्टिव हो जाएं। और बाकी ये वाली हमारी फीमेल है, मुझे इससे और मेल से बड़ी उम्मीद है कि फुल ऑरेंज के बेबीज निकलेंगे। थोड़ा सा इनका मैंने बॉक्स ऊपर से हटाया, लेकिन जो मेल है ना, फीमेल अभी तक किसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मुझे लगता है इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे दोनों की, और या फिर मटकी लगानी पड़ेगी। क्योंकि मेल फीमेल देखे, मेल ने नेस्टिंग बनाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर ही बना रहा है, हालांकि मैंने उसका छत खोल भी दिया ऊपर से जो बॉक्स का है, लेकिन फिर भी मेल ना उस तरीके से या फीमेल उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मसला ये है कि फीमेल यहाँ पर बैठी रहती है ये सेंटर में, ये वाली जो स्टिक है ना यहाँ पे, हालांकि मैंने देखे पार्टीशन की हुई है, लेकिन ये वाला जो मेल है ना ये भी इसको रिस्पांस देता रहता है और सारा दिन वो इधर से एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये मेल इसके साथ क्रॉसिंग कर रहा है हमारी इस फीमेल के साथ। चलें देख लेते हैं इनके एग्ज आए हैं कि नहीं, क्योंकि 2-3 रोज में इनके एग्स भी आने वाले हैं। अरे ये तो बाहर ही है, अभी तक तो एग्स नहीं है, खाली है, देखें। खाली है, कोई एग नहीं है, लेकिन 1-2 रोज में इंशाल्लाह इनके एग्स आएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि इसकी जगह चेंज कर दूं इस पेयर की, और इसकी जगह कोई और जगह पे ले आऊं, ताकि ये ना
इस मेल से इसकी जान छूट जाए फीमेल, तो वो इस मेल को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। तो यहाँ तो मैं इनको नीचे कर दूँगा और ये नीचे वाला जो है ना इनको मैं ऊपर कर दूँगा। ठीक है जी, ये भी उसी के बच्चे हैं, ऊपर वाली फीमेल इनकी माँ है, ये भी ऑरेंज लाइन के हैं। तो चलें देखते हैं क्या बनता है। ये वाली थोड़ी सी सिचुएशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि प्रोग्रेस। और ये वाला हमारा वाइट का छोटी एक कॉलोनी हमने बना दी है, इसको मज़ीद सेटिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ इसकी होती रही। ये वाला पेड़ देखें, अब इसको देखें, ये मेल और फीमेल दोनों, इनका ध्यान भी इसी कॉलोनी की तरफ हो गया है, क्योंकि 8-10 हैं वहाँ पे, सारा दिन ये इसी तरह करते रहते हैं। और इधर से एक वाइट है वो नीचे बैठी है, वो सारा दिन इस मेल के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करी। तो हम लोग इसके दरमियान में कुछ मैं चीज़ रख दूँगा ताकि इनका ध्यान उनकी तरफ ना जाए और ये अपनी ब्रीडिंग की तरफ ही जाए, क्योंकि और महीना डेढ़ रह गया है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाना है, तो फिर हम उसको भी करेंगे। एक और बात, हमने वो जो एग्स रखे थे इसके नीचे माशाल्लाह अभी तक फॉस्टर किए थे मैंने, वो एक पेयर के वो बैठी हुई है, और इनके फर्स्ट टाइम के जो एग्स हैं मैंने, क्योंकि फ़ीमेल छोटी है अभी अंडों पर बैठ नहीं रही थी, फर्स्ट टाइम थे इसके, वो उठा के मैंने इधर रखे हैं वो नीचे, तो ये भी फ़ीमेल बैठी हुई है, देखें वो भी अंदर बैठी हुई है। तो उम्मीद है कि इनके भी बेबीज़ कोई ना कोई निकल आए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल जो है ना वो 3B की फ़ीमेल है, और इसका जो कह लें कि अंदर ऑरेंज का भी ब्लड है, ये उसी की बेटी है जो ऑरेंज वाली मैंने आपको पहले दिखाई है, तो इसके अंडे हैं वो। तो चलें जी इंशाल्लाह, गोल्डियन भी हमारा जो मेल है वो मोल्ट पे गया हुआ है और फीमेल रेडी है ब्रीड के लिए, इंशाल्लाह मोल्ट कर रहा है, ये भी रेडी हो जाएगा महीने डेढ़ तक। बाकी जो गोल्डियन है वो हमारे पास इधर है, ये देखें, और वो देखें इजाबेल ऑरेंज का, वो भी मोल्ट पे गया हुआ है, देखें इसे निकालना शुरू कर दिया। बाकी गोल्डियन माशाल्लाह, ये देखें ऑलरेडी सारे एडल्ट हो चुके हैं, तो इस कमिंग सीजन में हमें अच्छे बच्चे देंगे ये भी, जैसे अभी सीजन आएगा। चलें जी ये देखें, सारी सफाई मैंने कर ली है, और मैं इस तरह साफ़ करता हूँ इस ब्रश के साथ जितने भी वाटर पॉट्स हैं, ताकि वो क्लीन हो जाएं, इसके जो बैक्टीरियाज कॉर्नर्स में होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। अच्छी तरह हमने सारे केजेस का जो है ना वो निकाल लिया हुआ है, अब वन बाय वन मैंने सारे केजेस, मेरे माशाल्लाह काफ़ी केजेस हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 35 के करीब सेक्शंस हैं, और दो कॉलोनियाँ ये हैं और एक छोटी हमने लगाई है। तो ये माशाल्लाह मुझे जो है ना वो पानी ज़्यादा लेना पड़ता है, तो ये वाली बॉटल है, ये मैंने इसको रखा है ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो ये तकरीबन है 7-8 लीटर ये बोतल, इसके अंदर 7-7.5 लीटर है, 7 लीटर है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम लोग डालेंगे ग्लूकोज, ये वाला देखें जी, ये ग्लूकोज डी है, ये अनफॉर्चुनेटली उल्टी साइड से फट गया, तो मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखें जी, ग्लूकोज डी कैल्शियम और विटामिन डी का ये मरकब है इसके अंदर। तो ये वाला जो चम्मच है ना, अब जैसा कि मुझे है कि मेरा 6-7 लीटर ये पानी है, तो मैं 2 बड़े चम्मच ये वाले जो है ना ये मैं डाल दूँगा ताकि मेरे सारे ही कवर हो जाएं। तो हम 2 बड़े जो है ना वो डालेंगे चम्मच भर के, ठीक है, ये देखें, एक और इस तरह करूँगा तो ये 2 चम्मच भरे बन जाएंगे, देखें, ठीक है। तो ऊपर थे तो ऊपर से मैंने करके तो 2 चम्मच इस तरह के मैंने डाल दिए, ठीक है। तो अब ये वाला जो पानी है ना इसको मैं अच्छी तरह हिला लूँगा। अब ये कोशिश करें कि यार जब भी ग्लूकोज आपने देना है या ये वाला ग्लूकोज डी, तो कोशिश करें कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि 1 लीटर में कितना है तो थोड़ा डाल लें,
बजाय के ज़्यादा डालने से। उससे ये होगा कि यार ज़्यादती जो है ना वो बर्ड को ख़राब करेगी, कमी जो है वो तो फिर नॉर्मल वाटर तो है ही ना, तो ज़्यादा की बजाय मकदार 50% जाने की बजाय उसके जिस्म में 2% 10% 5% कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, लेकिन ख़राब नहीं होगा। अगर 100% से ऊपर चला गया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको अच्छी तरह हिला लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह पानी में जज़ब हो जाए। ठीक हो जाए, अब मुझे नीचे देख लें आपके पैंदे में कोई पड़ा तो नहीं हुआ, इसलिए हमने डाला उतना है। तो चलें जी, सब हो गया और मैं वन बाय वन अब जो है ना इनको सर्व कर दूंगा। ये जो बर्तन है मैंने पानी के धोए हुए हैं सारे अच्छी तरीके से, तो इनको हम जो है ना वो अब वन बाय वन मैं सबके अंदर डालना शुरू कर दूंगा, इनको देना शुरू कर दूंगा पानी। और ये थी जी इसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, कि आप लोगों से थोड़ा शेयर कर दूँ कि कैसे देता हूँ मैं। चलें जी, दुआ में याद रखें, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।